बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल की शॉर्ट फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने लोन का फैब्रिक लिया। ये ट्रोजर में से बचा हुआ पीस था, इसे गले पे अटैच करूंगी। दो मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया है फ्रॉक के लिए। फ्रॉक की लंबाई मैं रखूंगी 31 इंच। इसकी ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली है। बैक साइड की पहले कटिंग करूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 7 इंच, गहराई भी 7 इंच रखूंगी। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 10 इंच। कमर की चौड़ाई रखूंगी 9 इंच। अब यहां से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 2.5 इंच। गहराई इसकी रखूंगी 2 इंच। अब इसकी भी गुलाई में कटाई कर लूंगी। अब मैं फ्रंट साइड का पीस अलग करूंगी। ये जो मैंने पीस अटैच करना है, इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 11 इंच। इस पीस में जोड़ था, इसकी चौड़ाई कम थी, तो मैंने दरमियान में सिलाई लगाई। ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से सिलाई के कपड़े को पकड़ते हुए ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जब मैं बटन यहां पे अटैच करूंगी, ये वाली सिलाई निकाल दूंगी। अब मैं यहां पे 13 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई जो है 17 इंच है। अब मैं 10 इंच छोड़ के यहां पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने 4 इंच इस साइड पे छोड़ा है। छः इंच कपड़ा मैं कटाई करूंगी, यहाँ तक इसकी कटिंग करूंगी। 6 इंच कपड़ा मैं उतार दूंगी। ये 11 इंच कपड़ा मैंने छोड़ा यहाँ पे। 4 इंच कपड़ा जो है उसमें ये बाकी का कपड़ा फोल्ड कर दूंगी। अब बैक साइड को इसके ऊपर रखते हुए कंधे की कटाई कर लूंगी।
इस पीस को आपस में सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे आपस में अटैच करने के बाद नीचे इस तरह से चोंच डाल के इसे भी आपस में इसके साथ जोड़ लूँगी। इस तरीके से मैंने इसकी तह बिठा दी है। अब मैं शर्ट पे 4.5 इंच पे कट लगा लूंगी। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अब इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी इसके किनारे किनारे पे। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब मैं गले की कटाई कर लूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 2.5 इंच, गहराई रखूंगी 4 इंच। अब मैं गले के लिए तिरछी पट्टियां कटाई कर लूंगी। एक एक इंच की तिरछी पट्टियां कटाई कर लूंगी। इसके गले के ऊपर बैक साइड पे ये वाला पीस अटैच करते हुए फ्रंट साइड को मोड़ के इसके ऊपर गले के ऊपर पाइपिंग कर लूंगी। बाकी काम इसका बिल्कुल सिंपल है।
इसकी फाइनल लुक मैं बाद में आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए ये मैंने डोरी तैयार की है, तकरीबन एक इंच कपड़ा की चौड़ाई लेके उसके ऊपर सिलाई लगा के उसे सीधा कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस तरह का बटन बनाऊंगी। यहां से इसे इस तरह से फोल्ड करना है और ऐसे नीचे को रखते हुए सुई की मदद से इसी की है, इसी ना। ये मैंने कपड़े से बटन तैयार किए हैं, इसी तरह से हम बटन जो है कपड़े से भी तैयार कर सकते हैं। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये जो मैंने कपड़ा इसके ऊपर लगाया है, इस कलर की मैंने प्लाजो पैंट तैयार की हुई है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये स्लीव डिजाइन मैंने अलहदा से तैयार की है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये जो ज़िगज़ैग है इसके ऊपर रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी थी। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड सिंपल बहुत ही प्यारी लगती है। एलएन शेप में कटाई हुई हो तो ज्यादा प्यारी लगती है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।